बाल सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन कोंडागांव जिले के बच्चों को कराया गया थाना परिसर में भ्रमण। बाल सुरक्षा सप्ताह के चौथे दिन कोंडागांव जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय प्राथमिक शाला तहसील पारा, शासकीय कन्याशाला फरस गांव एवं शासकीय कन्याशाला केशकाल के बच्चों को थाना परिसर में भ्रमण कराया गया एवं स्कूली बच्चों के साथ बाल सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। थाना भ्रमण कराने के बाद बच्चों को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस के संचार माध्यमों की जानकारी दी गई। साथ ही साइबर टीम कोंडागांव द्वारा बच्चों एवं अध्यापकों को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों की जानकारी देकर इनसे बचने के उपाय बताकर साइबर क्राइम पोर्टल एवं ऑनलाइन फ्रॉड के लिए हेल्पलाइन नंबर 155260 की जानकारी दी गई। पहली बार डॉग शो देखकर बच्चे अत्यंत उत्साहित एवं खुश दिखे। उक्त कार्यक्रम में पुलिस टीम के साथ संबंधित स्कूल के अध्यापक एवं बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे। पहले कभी थाना आई थी आप? नहीं, इससे पहले मैंने कभी थाना नहीं देखा था। तो क्या सोचती क्या थी थाने के बारे में आप? थाना के नाम से हर कोई मतलब डर जाता है और सभी लोग डर जाते हैं, बड़े हैं बच्चे डर जाते हैं, लेकिन हमें नहीं डरना चाहिए। आज आके आपको लगा कि हाँ आने से डरने वाली बात नहीं है? नहीं, यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। हम लोग आए और फिर हम लोग यहाँ पर देखे, अंदर घुसे, हमको मैडम लोगों ने बताया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने ऊपर जो घटना घटित हो रहा है उसको आकर बताना है, बिना संकोच बिना भय के आके बताना है और अपना प्रॉब्लम्स को बताना है और दर्ज करवाना है। और कोई? जी, डॉग को भी देखे, जो जो मतलब बोला वो किया, वो अच्छा लगा। और वो भी रखे थे, जो कुछ होता नहीं है वो वाला उससे बताते हैं, वो वाला भी हेल्पलाइन नंबर भी बताया। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पहले डर लगता था थाना आने में? नहीं, क्या चीज बताने की जरूरत है? बच्चों को बताया जा रहा था कि डॉग, जो पुलिस डॉग है, वो किस प्रकार से काम करता है। तो बच्चों को आज डॉग किस प्रकार से बात मानता है वो दिखाया गया। इसके अलावा बताया गया कि दो प्रकार के डॉग होते हैं, चोरी में काम में आता है, बम स्क्वाड के रूप में काम में आता है।